नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि इस बार मैं किस प्रकार से अपने इस जलपरी, वाटर लेट्यूस या फिर कहिए वाटर कैबेज को बचाने में सफल हो गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो था लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने सारी अपनी खो दी थी, फिर मुझे कहीं से गिफ्ट मिल गई तो मैं चला रही हूँ। ये मेरी रखी कहाँ है ये मैं दिखाती हूँ। ग्रीन नेट के नीचे है और यहाँ से जो है हवा आती है, फ्लो बना हुआ है हवा का। साथ में यहाँ ये टप रखा हुआ है वाटर लेट्यूस वाला, वहाँ पर दिन में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, मतलब 10 to 2 o'clock तक धूप आती है, लेकिन ग्रीन नेट के नीचे से आती है। साथ में इसके आसपास मैंने कुछ थोड़े से बड़े प्लांट्स लगा रखे हैं जो कि अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। चलिए इसकी मैं जाली हटा लेती हूँ, फिर इसके बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, जानते हैं ये मैं जाली क्यों लगा रखी है? एक्चुअली में अब की मैंने इसके अंदर कुछ फिश पाल रखी हैं। फिश बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए और साथ में मेरे ग्रीन नेट के नीचे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। मुझे कई बार शक होता है कि वो जो बर्ड्स हैं मेरी इन फिश को खा जाती हैं, तो इसके लिए मैंने जाली रख रखी है कि फिश बची रहे मेरी। साथ में उन बर्ड्स के लिए मैं दाना अलग से डालती हूँ। अब की जो है मुझे अपनी ये जो ग्रीन, इसका जो कलर है ग्रीन, ये बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं बचाने में सफल हो गई हूँ। अच्छा, जो मेरे एक मैंने वीडियो बनाया था ओरोकेरिया वाला, उसमें भी मैंने आपको मेरे जो ग्राउंड फ्लोर गार्डन में वाटर कैबेज रखी हैं वो भी दिखाई थी, लेकिन उसका कलर इतना फ्रेश नहीं है जितना ये अब की बार का है। शायद मैं वीडियो में पूरा जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ इनकी ग्रीन कलर की ब्यूटी दिखाने का। बहुत प्यारा कलर है इसका। हो सकता है ये फ़िश का कमाल हो, क्योंकि फ़िश जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं वो ये सब प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। साथ में फ़िश को खाना इन्हीं की जड़ों से और जो अलगाई वगैरह काई आई है उन्हीं सब से मिल जाता है। तो दोस्तों, आप जो है अपने जो वाटर कैबेज है इसको पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, केवल मॉर्निंग की सनलाइट दिखाइए, केवल 10 बजे तक की, और या फिर शाम को 4 बजे तक की दिखाइए, दिन के समय मत दिखाइए। अगर आपके यहाँ पे ऐसी जगह नहीं है तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए। ग्रीन नेट के नीचे भी नहीं रख सकते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स के बीच में अपने जिसमें वाटर कैबेज रखा है उसको डाल दीजिए, ताकि डायरेक्ट हीट ना लगे, डायरेक्ट सूरज की किरणें ना पड़ें। और वैसे कोशिश पूरा करिए कि इसको बचाइए तेज़ धूप से, क्योंकि तेज़ धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इसको जो है आप कमरों के अंदर भी कम मत ही रखिए, क्योंकि कमरों के अंदर क्या होता है, हर टाइम एसी, कूलर, पंखा नहीं चलता रहता है। जब वो बंद हो जाते हैं, इसका ग्रीन कलर देखो कितना प्यारा है, जब वो बंद हो जाते हैं तो हम लोग का जो कूल कमरा है वो बिल्कुल ओवन की तरह बन जाता है, जिसमें कि इनको बहुत नुकसान होता है। दूसरी चीज़, इनको जो है बहुत छोटे बर्तन में मत रखिए। बहुत छोटे बर्तन, स्पेशली जो स्टील के, मेटल के बर्तन हम लोग लेते हैं या ग्लास ग्लास के लेते हैं उनमें, क्योंकि होता यह है कि मेटल की वजह से धूप की वजह से वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं, पानी भी गर्म हो जाता है और वाटर लेट्यूस को फ़र्क पड़ता है। बड़े कंटेनर में पालोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी गर्म नहीं हो पाता है, दिन भर में चलता रहता है। यहाँ पर जो है हमने वाटर लिलीज के संग करा है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड मैं आपको नई नई जानकारी देती रहूँ। फ्रेंड्स, इसमें जो है मैंने वाटर लिलीज के संग इसको रखा है। मेरा केवल मकसद यही है कि मैं गर्मियों में बहुत सारे प्लांट्स की केयर नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं एक साथ डाल देती हूँ ताकि कम केयर करनी पड़े। जैसे ही रेनी सीजन आएगा मैं वाटर लेट्यूस को अलग कर दूंगी, ताकि क्योंकि वाटर लेट्यूस बरसात के समय रेनी सीजन में बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, ताकि इनको भी पूरी जगह मिले ग्रो होने के लिए और साथ में मेरे वाटर लिलीज भी अच्छे से ग्रो हों। इनको आपने अप्रैल, मई, जून या जुलाई, अगर बारिश नहीं हुई तो, इधर 4 महीने बचा लिया तो ये आपके पास हमेशा बनी रहेंगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसका जो है, इसके बाद जो होता है, फिश पालने से तो मुझे फ़ायदा दिख रहा है, कलर अच्छे आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप फिश पालो, इसका पानी चेंज कर देते हैं तब भी हम जो हैं
20 दिन में, 20 या 25 डेज़ में पानी चेंज करते हैं। स्पेशली जब हमें हल्की सी स्मेल आने लगती है पानी से, तब मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फ़िश इतनी सारी नहीं है कि वो सारी एलगाई को खा लें। जितनी उनकी खुराक है उतनी ही खाएंगी, तो एलगाई वगैरह जम जाती है कभी कभी। तो वही है, मैं 20-25 डेज़ में साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा केयरफुली करती हूँ, ताकि मेरी फ़िश जो है वो मरे नहीं, ख़राब ना हो, ध्यान से करते हैं। तो पानी उसका आपके छोटे उसमें लगा तो पानी चेंज करते रहिए। फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने कुछ अपनी वाटर कैबेज करी थी, ये वही लोटस है जिसका कि वीडियो मैंने बनाया था। अच्छा, यहाँ पर इसमें मैंने थ्री वाटर लेट्यूस रखी थी, बड़ी बड़े साइज़ की, और अब देखिए उनके क्या हाल हैं, छोटे छोटे से रह गई हैं। एक और है फ्रेंड्स इस जगह पर, ये तीन है फ्रेंड्स, ये जो हैं अभी ये मत सोचिएगा मरेंगी, बस ये इतनी होकर चलेंगी, जहाँ रेनी सीज़न आएगा ये साइज़ में बड़ी होने लग जाएंगी तुरंत ही। तो आपकी इतनी भी है तो आप होपफुल रहो कि ठीक हो जाएंगी। इसके बाद इस जगह पर जहाँ ये वाला टप रखा है, यहाँ पर दिन में 10 बजे से लेकर के पूरी 3 बजे तक की डायरेक्ट धूप आती है ग्रीन नेट के नीचे से, लेकिन इसके आसपास कोई प्लांट मैंने नहीं रख रखा है। केवल चेक करने के लिए 3 प्लांट्स मैंने अलग कर दिए थे कि देखें क्या रिजल्ट रहता है। इसके बाद फर्टिलाइज़र वगैरह, गर्मियों में मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, फिश वाले में तो भी कुछ नहीं डालते हैं, और जब हम रेनी सीज़न में या इसके हिसाब से डालेंगे तो हम केवल बर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र या गोबर खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वही डालेंगे, जो जिसको कि हम जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। वो एक एक कप डाल देते हैं, हर 10 दिन में डालते रहते हैं उसको, उससे फिश को भी कोई नुकसान नहीं होता है और मेरे प्लांट्स भी अच्छे से चलते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए हम रखते हैं, यहाँ पर आगे थोड़े बहुत प्लांट्स रखे हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।